साले हैं सबके सब छुप के तुम्हारा बैंड बचाने वाला। रुको तो सही, अभी बहुत जल्दी कहानी बहुत बदलेगी, बदलेगी बहुत कहानी। तुम रोओगे, तुम पछताओगे कि हमने एक NCR की औरत को इतना नंगा क्यों किया। वो भी हमारे घर की बहु बेटी जैसी थी, हमारी दिल्ली की थी, हमारे गुड़गांव की थी, हमारी जगह की थी। उसको हमने ऐसा क्यों किया? रोज लटक लटक के नीम के पेड़ में खत्म हो जाएगी पूरी पुस्त, यू नो पुस्त पूरी खत्म हो जाएगी। आ जाओ मेरे से चैलेंज ले लो, चलो सारे लच्चे, मैं कहते पूरे चैलेंज ले लो मेरे से, पूरे NCR के लोग मुझसे चैलेंज ले लो। अब तुम्हें किसने हक दिया था नोक्स किलाई में बैठ के बकचोदी करने का मेरे लिए, बताओ? मेरी आत्मा रो रही है आज, आत्मा, कि साले तुम लोगों ने कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। आज मैं फिर भी, इतना मेरे साथ होने के बाद भी, मैंने राहुल को माफ किया, मैंने सुमित को माफ किया, मैंने हर किसी को माफ किया। मैं छोड़ यार, उनका कर्मा उन्हें देखेगा, ठीक है, मैंने माफ किया। पर तुम साले घटिया लोग, जब तुम अपने ही देश के सगे नहीं हो पाए ना, तो तुम किसी भी कंट्री के सगे नहीं हो सकते। तुम्हें सिर्फ फॉलोवर्स चाहिए ना, लो फॉलोवर्स मैं देती हूँ तुम्हें, फॉलोअर्स तुम्हारी माँ को चुदवा के फॉलोअर्स दूंगी मैं तुम्हें। अब कहते ना अनमोल बहुत गंदा बोलती है, गंदा अनमोल, अनमोल कुछ नहीं गंदा बोलती है, मलाइका जितना गंदा PhD मैंने कर रखी है इंस्टाग्राम में। बस यही है ना कि तुम मेरा घर जानते हो, हैं? अब मैं हर किसी को घर के नीचे चैलेंज कर रही हूँ आने के लिए। आ जाओ, तुम्हें मैं बढ़िया वाला लपेटूंगी इस बार, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, आके दिखाओ मेरे घर के नीचे इस बार। इस बार मेरी कोई दोस्त मेरे साथ खड़ी नहीं होगी, अकेली शेर नहीं खड़ी होगी, ठीक है? दिखाओ तुम अपनी मर्दानगी साले, कुछ NCR के बदमाश गुंडे बैंडचोद, तुम अपने आप को मर्द बोलते हो, मर्द नहीं हो। वो मलाइका सही गाली देती है तुम लोगों को, सही गाली देती है बिल्कुल। मैं भी गाली दूंगी, बिकॉज एक बंदे ने बोला मेरी लाइफ खत्म होने के बाद कि भाई तेरे घर के नीचे आ रहे हैं अभी। हर किसी को मेरे घर आने का बहुत शौक है ना, आगे दिखाओ तुम्हारी माँ की आंख, तो मैं ऐसा लपेटूंगी तुम्हें। मैं बताऊंगी कि कैसे करना है, अब लाइव कैसे चलानी है, इंस्टाग्राम में कैसे फेमस होना है। बैंक जेल की चक्की ना पिसवा दी ना, चाहे कोई औरत हो चाहे आदमी हो, जेल की चक्की ना पिसवा दी ना मैंने। मेरा नाम कल्पना कुंडू उर्फ गुड़गांव की शेरनी उर्फ गुड़गांव की सरपंच, मेरे मुंह पे थूक दियो तुम सब लोग बैठ के, तुम्हारा जूता मेरा मुंह, तुम्हारे को चक्की ना पिसवा दी तो पंगे लोगे मेरे से पंगे लोगे साले। दो कौड़ी के लोग, ना बीवी का पता, ना बच्चों का पता, ना औकात पता, ना जात का पता, NCR के कुछ महा बन रहे गुंडे यहाँ पे। आ जाओ सामने सब लोग, तुम अब तुम्हें बताएंगे हम बढ़िया वाला बताएंगे। मुझे गाइस किसी, कोई मुझे फॉलो ना करे, जो मुझे, अब मैं कल से अपनी ID प्राइवेट करूंगी ताकि कोई मुझे फॉलो ना करे, ठीक है? कहते ना शेरनी फॉलो, अबे सुन, शेरनी का फॉलोवर्स की जरूरत नहीं है, शेरनी का नाम चले नाम। तुम जैसे गंडवे मुझे गाली देके अपना नाम कमाते हो, नाम कमाते हो तुम लोग अपने गंडवे। दो दिन में तो तुम्हारी यारी हो जाती, दो दिन में तुम्हारी दुश्मनी हो जाती है, हम साले गंडवे हरामी। मैं तो वेट कर रही हूँ, मैं तो गार्ड को भी बोल दिया 393 का कोई घर का डस्ट पूछे तो अंदर आने दे उसको, रोकियो मत बिल्कुल भी। तुम्हें दिखाया ना लाइव पे मैंने, आओ जरा आओ मेरे घर के नीचे आओ। तुम्हारा बाप बैठा है यहाँ पे इस बार, और तुम्हारी माँ पूरी तैयारी के साथ बैठी हुई है इस बार। लई में आओगे, फॉरेन कंट्री वालों का सपोर्ट करोगे साले गंडवे, तो तुम तो बहनचो शहीद भगत सिंह के भी सगे नहीं हुए, ना रानी लक्ष्मीबाई के, जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने के लिए फांसी लगा ली। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे के साथ अपने आप को मारने पे मजबूर हो गई, मर गई वो, ठीक है? तुम उसकी भी इज्जत नहीं करते हो इंडियन लोग। अगर तुम वक्के में इंडियन हो ना,
तो याद करो रानी लक्ष्मीबाई को, याद करो शहीद भगत सिंह को। यही साले कमीने कुत्ते थे जिन्होंने फूट डलवाई थी हमारे इंडिया में, ठीक है, और इनकी वजह से ही हम इंडियन में लड़े थे, ठीक है, हम इंडियन लड़े थे। आज ये फॉरेन कंट्री के दो कौड़ी के लोग इंडिया से गए हुए अपने आप को अमेरिकन बोलते हैं, अपने आप को यूके बोलते हैं, यूके के हैं, और उनका सपोर्ट करोगे, उनके लाइन में बैठ के शेनी को गंदा बोलोगे तुम, हैं? एक बार अब मुझे लाइव दिख जाए कि तुम उनके लाइन में बैठ के मेरे गंदा बोल रहे हो। देख मुझे जरूरत नहीं बोलने की, तुम्हारी मैया रोज चोदूंगी, चाहे वह एनसीआर का कोई गुजर हो, चाहे जाट हो, चाहे पंडित हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, मैं सबकी माँ चोदूंगी, अब मैं बता रही हूँ तुम्हें। इसलिए सोच समझ के फॉरेन कंट्री वालों का साथ देना, अब सोच समझ के। मेरी गलती हो तो मेरे मुंह पे 10 जूता मारो, 10 जूता मारो, मैं तैयार हूँ 10 जूता खाने के लिए, ठीक है। अगर बिना मतलब तुमने फेम खाने के लिए उन लोगों का सपोर्ट किया और एनसीआर की औरत को डाउन किया, तो बेटा एनसीआर की औरत भी एनसीआर के आदमी और औरत को डाउन करने में 2 मिनट लगाती है, औकात दिखाएगी तुझे फिर। साले भड़वे दो कौड़ी के इंसान है, तुम्हारा बस चले ना, तुम अपनी माँ को चुदवा के ना फॉलोवर्स बढ़वा लो अपने यहाँ पे, हैं? कहते ना शेरनी बहुत गंदा बोलती, शेरनी ने अभी गंदा नहीं बोला है, जिस दिन गंदा बोलेगी ना तो अनमोल को कहते ना अनमोल को चुप कराओ, मैं क्यों कराऊं चुप उसको, क्यों कराऊं, वो उसकी लाइफ है, वो उसकी 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 पेज है भैया, वो किसी को भी गाली दे कुछ भी करे, वो उसकी लाइफ है, वो उसका पेज है, वो किसी को भी गाली दे सकती है, ठीक है। तुम उसको उसको पोक करोगे तो वो तुम्हें गाली देगी, ठीक है, और तुम मुझे पोक करोगे तो मैं तुम्हें गाली दूंगी 100% दूंगी, चाहे वो मेरा एनसीआर का कोई भी हो। फिर साले सगा बनना सीखो, कुछ सीखो घटिया लोगों। अमेरिका वाले ना कभी लड़ते नहीं आपस में, देखा तुम लोगों ने, कभी लड़ते नहीं वो लोग आपस में, बना के रखते हैं। अबे साले चूतिया के लौड़े, कभी एनसीआर के इंडिया वालों को बोल रही हूँ मैं, इंडिया वाले कुछ बना के रखो आपस में भी, हैं? ऐसे ही तुम फूट डलते रहोगे ना आपस में, तो कोई भी बाहर कंट्री वाला हमारे देश में आके कोई भी बकचोदी कर जाएगा, ठीक है। यूनिटी बनाना सीखो अपनी कंट्री में, यूनिटी, यूनिटी का मतलब जानते हो, एकता, एकता बनाना सीखो। गंडवे साले दो कौड़ी के इंसान, अपनी बेटी और अपनी माँ को इंस्टाग्राम में नंगा करते हो तुम लोग। तुम अगर वाकई में सही हो ना तो इंस्टाग्राम छोड़ दो, पता ना तुम्हें, तुम्हारी रोज नंगा हो रही है तुम्हारी फैमिली, रोज नंगा होती है तुम्हारी फैमिली, तो क्यों नंगा करते हो अपनी फैमिली को, छोड़ दो ना इंस्टाग्राम। दम है तो सामने वाले को चीर के फाड़ के दिखा दो, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई करी थी, जैसे शहीद भगत सिंह ने लड़ाई करी थी, ऐसे लड़के दिखाओ, गांड में गू नहीं है क्या तुम्हारी लड़ने का, हैं? बस इंस्टाग्राम में भाऊ भाऊ करने की औकात है तुम्हारी। दो कौड़ी के इंसान, मैंने बता दिया अब तुम्हें, मैं अनमोल का फुल सपोर्ट करूंगी अब कल से, फुल सपोर्ट, अभी तक तो नहीं कर रही थी, मैं आप फुल सपोर्ट करूंगी, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा कभी सपोर्ट नहीं किया है। मुझे हमेशा एनसीआर की बहू हूं ना मैं, एनसीआर की है, गुड़गांव की, ठीक है, जाट की बीवी हूं, तुमने तो मुझे भी नंगा किया। साले तुम मुझे नंगा करते हो गलत बोलकर, तुमने कभी अपने गिरेबान पे झांका है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, तुम्हारे बच्चे कहाँ है, कभी झांका है तुमने, है? तुम्हारी ऐसी मैया, मैंने कई दिन से चुप रही थी मैं कि चल ठीक है यार, मैं किसी कहने पर आकर लाइव नहीं चला रही हूँ गंदी, नहीं मैं किसी को गाली दे, बहन चुद आप हर किसी को मेरे घर के नीचे आना है, आज किसी लौड़े ने धमकी दी है घर के नीचे आ रहा हूँ तेरा, देख फायरिंग करूंगा। मैंने गार्ड को बोल दिया तुम्हारे सामने, उसको आने देना और आने के बाद गेट बंद कर देना, उसको मैं बताऊंगी फिर। अब चले चूतिया है, मर्दों से तो औकात नहीं है लड़ने की, हैं? औरतों के घर के नीचे आके कुत्ते की तरह भौं भौं करोगे तुम साले,
दो कौड़ी के लोग हैं, और कहोगे हम मर्द है, तुम मर्द नहीं हो, ढंग से अपना ना देख लो, चेक कर लो प्राइवेट पार्ट, ढंग से स्टैंड होता नहीं होता, वो बीवी को खुश करते नहीं करते हो, या पता लगे बीवी तुम्हारे ड्राइवर से चुद रही है, या पड़ोसी से चुद रही है, तुम्हारे दोस्तों से चुद रही है, ठीक है, ढंग से देख लो अपना, चेक कर लो प्राइवेट पार्ट, पता लगे वही ना खड़ा हो रहा तुम्हारा ढंग से। तुम्हें किसने हक दिया था, उस गलत औरत, गंदी औरत, जिसको आज आठवां दिन हो गया, हाँ एक बजे, आज नौवां दिन हो गया, उस गलत औरत के लाइव पे बैठ के तुम्हें किसने हक दिया ये कि शेरनी के बारे में गंदा बोलो। तुम एनसीआर के लोग कैसे गए थे तुम सब वहाँ पे, क्यों गए थे तुम, नो उसकी नोक्स की चाट नहीं थी क्या तुम्हें, उसकी चाहिए थी तुम्हें, मिल गई तुम्हें, दे दिया उसने, है तुम्हें अमेरिका जाना पड़ेगा उसकी लेने के लिए, या तुम्हें डीएम में खुश कर दिया उसने, साले इतना रैपटा मारूंगी बहन चो तुम लोगों के, तुम्हारे गौन में से गुण ही निकलेगा भोसड़ी के, हैं? अपनी अपने आप को नंगा खुद कर रहे हो तुम लोग, अपने आप को नंगा खुद, कोई दूसरा वाला नहीं कर रहा तुम्हें नंगा, तुम खुद अपने आप को नंगा करवा रहे हो यहाँ पे, खुद करवा रहे हो नंगा यहाँ पे, दो कौड़ी के इंसान तुम खुद नंगा करवा रहे हो अपने आप को यहाँ पे।